हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से इस करंट वीडियो सेशन का आज का टॉपिक है इन ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल और उसका इंट्रोडक्शन कि हम बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू द कंटेंट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना बहुत जरूरी है कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले सारे वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अगले स्लाइड पे जाती हूँ। पर अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो मैं राइट अप कॉर्नर में आपके लिए शॉर्टकट लिंक फ्लैश कर रही हूँ, तो उसमें से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसमें से हम इस वीडियो सेशन में बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स जो कि इन ऑर्डर इसमें कवर करने वाले हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया है, ऑर्डरिंग यहाँ पे दिया है, लेफ्ट रूट, रूट नोड, देन राइट, लेफ्ट, देन रूट नोड एंड देन राइट, ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। उसके लिए मैं इस स्लाइड में आपको इन डिटेल इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को जाना है, उसके बाद उसको रूट कंसिडर करके उसको फिर से चेक करना है कि उसको लेफ्ट सब ट्री है या नहीं। अगर है तो फिर से स्टेप डाउन होना है लेफ्ट सब ट्री को, उसको रूट बना के फिर से उसको चेक करना है उसको लेफ्ट सब ट्री है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें चेक करना है कि उसको राइट सब ट्री है या नहीं। अगर राइट सब ट्री है तो उसको स्टेप डाउन करके उसको रूट बना के फिर से उसको चेक करना है कि उसको लेफ्ट सब ट्री है या नहीं। ये सारी चीजें आपको इन सीक्वेंस करते जानी है, क्योंकि इन ऑर्डर का सीक्वेंस होता है लेफ्ट, देन रूट नोड एंड देन राइट। यही सारी चीजें मैं इन डिटेल यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। लेफ्ट, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है और उसको रूट बना के फिर से चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड अगर प्रेजेंट है तो फिर से स्टेप डाउन होना है टू लेफ्ट चाइल्ड। ये चीजें हमें कंटिन्यू करती रहनी है जब तक रूट को, करंट रूट को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है। मान लो कि लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें रूट को, यही चीजें मैंने जो आपको अभी बताई थी वही मैं यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ। तो अगर मान लो कि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें रूट को, सॉरी करंट रूट को प्रोसेस कर लेना है, जो कि आपका सीक्वेंस है। लेफ्ट हमारा हो चुका है, अभी हम रूट नोड को प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है राइट चाइल्ड, अगर प्रेजेंट है तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो यहाँ पे मैं स्टेप डाउन हो रही हूँ राइट चाइल्ड को। अभी राइट चाइल्ड को हमें फिर से रूट बनाना है, और रूट बनाने के बाद हमें उसका, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर से लेफ्ट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है तो फिर से उसको रूट बना के फिर से उसको लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली हमें परफॉर्म करते जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये वाला सिंपल एग्जांपल है। अगले स्लाइड में एक थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेफ्ट को प्रोसेस करना है, उसके बाद हमें रूट को प्रोसेस करना है, और एट द एंड हमें राइट को प्रोसेस करना है। ये करते टाइम हमें सिक्वेंस हमेशा याद रखना है लेफ्ट, रूट नोड एंड राइट। तो चलो इस एग्जांपल के साथ मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ कि इन ऑर्डर हमें कैसे ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो रिजल्ट होगा वो मैं यहाँ पे बॉटम में डिस्प्ले कर रही हूँ। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें ऑलवेज रूट से स्टार्ट करना है, रूट नोड से। तो ये हो गया आपका रूट नोड। अभी आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है। अभी ये हो गया मेरा रूट नोड, रूट नोड और उसका फॉर डिसेंडेंट ट्री, सारे नोड्स मैं इस ट्रायंगल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 10 को लेफ्ट चाइल्ड है। आप इस डायग्राम में, इस ट्री के डायग्राम में देख सकते हो कि 10 को लेफ्ट चाइल्ड है। तो हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है और
यहाँ पे मैं स्टेप डाउन होके अभी मैं 20 को रूट नोड बनाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रायंगल का मतलब है ये मेरा हो गया अभी रूट नोड। अभी उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा, फिर से 20 को लेफ्ट साइड है या नहीं मुझे वो चेक करना है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो 20 को लेफ्ट साइड नहीं है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका है हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो रूट नोड हमारा 20 है तो उसको प्रोसेस करने के लिए मैं उसका कलर चेंज कर रही हूँ। और नीचे जैसे कि मैंने बोला था कि बॉटम में मैं इन ऑर्डर डिस्प्ले करने वाली हूँ, तो यहाँ पे हर एक नोड जो जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसके प्रोसेसिंग के बाद और प्रोसेसिंग के साथ मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी कर रही हूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग का ही मतलब है हमें वो डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपका 20। तो ये हो गया 20 के लेफ्ट सब ट्री हमने कवर कर लिया जो कि अब्सेंट था, जो था ही नहीं। तो फिर हमने रूट नोड को प्रोसेस कर लिया। अभी हमें कहाँ पे जाना है, हमें राइट पे जाना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है टू चेक अ राइट चाइल्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 को राइट चाइल्ड प्रेजेंट है। तो अगर राइट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टेप डाउन कर लिया है और मैंने अभी 30 को रूट नोड बना लिया है। करंट रूट नोड हमारा 30 है। अभी 30 रूट नोड होने के बाद यही सीक्वेंस हमें फिर से दोहराना है, जिसमें मैं सबसे पहले लेफ्ट चेक करूंगी। तो चेक करते हैं 30 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 को लेफ्ट चाइल्ड है। तो हमें फिर से स्टेप डाउन होके 50 को रूट नोड बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी 50 रूट नोड बन गया, तो इसका मतलब है हमें फिर से ये सीक्वेंस दोहराना है। तो सबसे पहले फिर से चेक करते हैं कि 50 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। आप देख सकते हो 50 जो है वो लीफ नोड है, तो 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने चेक कर लिया 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस कर लिया, कलर चेंज कर लिया और नीचे जाके डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग के बाद राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड भी हमारा प्रेजेंट नहीं है 50 को, क्योंकि ये लीफ नोड है। तो हमें फिर से क्या करना है, अभी आप सोच सकते हो कि 50 का तो पूरा प्रोसेसिंग हो गया जिसमें हमने फॉलो कर लिया उसका लेफ्ट रूट नोड और उसका राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें स्टेप अप होना है, हमें फिर से 30 को रूट नोड बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 30 को रूट नोड बना लिया है। 30 को रूट नोड बनाने के बाद आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि 30 जो सबसे पहले हमने देखा था उसके लेफ्ट चाइल्ड को मैं मूव हो गई थी, क्योंकि अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो हमें स्टेप डाउन होना है। तो अगर 30 की बात है तो आप इस सीक्वेंस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसमें उसका लेफ्ट तो कवर हो चुका है, अभी उसका रूट नोड प्रोसेसिंग बाकी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। रूट नोड को प्रोसेस करते टाइम मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ और नीचे बॉटम में उसको डिस्प्ले कर रही हूँ, तो वो सब सारी चीजें होगी। अभी रूट नोड को प्रोसेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसके राइट सब ट्री को जाना। तो सबसे पहले हमें चेक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, चेक करना है कि राइट चाइल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 को राइट चाइल्ड है, तो हमें 30 के राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो मैं यहाँ पे 60 को अभी रूट नोड बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ये सब ट्री कंसिडर कर रही हूँ, जिसमें से फिर से हमें रूट नोड बनाने के बाद फिर से ये सारा सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, जिसमें मुझे सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू चेक फॉर अ लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम अगले वाले स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हम रूट नोड प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोसेसिंग ऑफ द रूट नोड। नेक्स्ट स्टेप है फिर से चेक फॉर अ राइट चाइल्ड, चेक करते हैं राइट चाइल्ड है या नहीं। राइट चाइल्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो 30 अभी रूट नोड था उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसके राइट चाइल्ड को चले गए थे। तो आप अगर इस सब ट्री को देख रहे हो तो ये सब ट्री आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका रूट नोड था 30, उसका लेफ्ट भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया रूट नोड का और राइट भी हो गया। अभी फिर से स्टेप अप जाके 30 का अगर पैरेंट नोड आप देख रहे हो तो 20 का भी लेफ्ट हो गया है, जो कि प्रेजेंट था ही नहीं, उसका रूट नोड प्रोसेसिंग भी हो गया, उसका राइट चाइल्ड भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जहां तक कि
हमारा अगला स्टेप का सवाल है, हम अभी 10 को रूट नोड बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो गया आपका 10 जो है वो आपका रूट नोड हो गया है। अभी आप देख सकते हो ये पूरा ट्री जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप वो पूरा देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा लेफ्ट पार्ट हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग ऑफ द रूट नोड वाला स्टेप। यहाँ पे मैं इसको रूट नोड को प्रोसेस कर रही हूँ और नीचे बॉटम में उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका लेफ्ट, हो गया आपका रूट नोड प्रोसेसिंग, और अभी किसकी बारी है, राइट सब ट्री की। तो हमें चेक करना है कि राइट सब ट्री है या नहीं फॉर करंट रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 को राइट सब ट्री है, तो 10 को राइट सब ट्री है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप डाउन होना है और उसके राइट सब ट्री को उसका रूट बना देना है। तो मैंने इसको रूट बना लिया। अभी 40 हमारा रूट नोड हो गया है, फिर से रूट नोड हमारा चेंज हो गया है, इसलिए हमें सारी स्टेप फिर से परफॉर्म करनी है, जिसमें से हमें लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 40 को लेफ्ट चाइल्ड है, 40 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम अगले वाले स्टेप पे जाएंगे। 40 रूट नोड खुद है तो उसको प्रोसेस कर लेंगे, तो उसको प्रोसेस भी कर लिया। अभी 40 को राइट चाइल्ड हमें चेक करना है, 40 को राइट चाइल्ड भी नहीं है क्योंकि 40 हमारा है लीफ नोड। तो ये सारा हो गया हमारा प्रोसेसिंग और उसका राइट चाइल्ड। तो 40 जब तक रूट नोड है तब तक ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरा पूरा ट्री, पूरे नोड, सारे के सारे नोड्स, उसके कलर चेंज है। इसका मतलब मैंने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो ट्री दिया था उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आने वाला है, 20, 50, 30, 60, 10, 40। अब तक मैंने इस वीडियो सीरीज में प्री ऑर्डर एक्सप्लेन किया हुआ है और इस करंट वीडियो सेशन में मैं आपको इन ऑर्डर एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही एग्जांपल अगर आपको प्री ऑर्डर में सॉल्व करना है तो मैंने वो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू प्री ऑर्डर वाले वीडियो में। उसके साथ साथ मैं कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स भी आपके लेने वाली हूँ, जो कि प्री ऑर्डर के मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए हैं, और अगला वाला वीडियो मेरा वही है जिसमें मैं सॉल्व एग्जांपल्स आपको बताने वाली हूँ, सॉल्व करके बताने वाली हूँ। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इन ऑर्डर में वो सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को ट्यून रहिए। अभी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसको लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो मैंने अभी बोला, नेक्स्ट वीडियो सेशन जो कि सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वो भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, और पूरे वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी आपके लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद टेक टॉक्स। थैंक यू।